गावा अस्पताल में सोमवार को आगामी 27 फरवरी से 3 दिवसीय शुरू होने वाले प्लस पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर बीटीटी एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीपीएम प्रमोद कुमार बढ़वाल उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को 100% पोलियो की खुराक देने व लक्ष्य को पूरा करने पर मंथन की गई। बीपीओ प्रमोद कुमार बढ़वाल ने कहा कि बीटीटी एएनएम व एमपीडब्ल्यू को प्लस पोलियो अभियान को लेकर पोलियो सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिया गया ताकि यह 3 दिवसीय अभियान के दौरान सभी बच्चों को पोलियो की दो दो खुराक पिलाई जा सके। मौके पर बीपीएम प्रमोद कुमार, नकुल कुमार, बीटीटी उषा देवी, कालीचरण सिंधु कुमारी, नेमनारायण मंडल, नीरज कुमार पांडे, जलील अंसारी, अभिलाषा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, शम्मी कुमारी समेत कई अन्य उपस्थित थे। 2022 से 3 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम रखा गया है जो पूरे झारखंड में मनाया जाएगा। उसके लिए सभी एनएम, एमपीडब्ल्यू, बीटीटी को पोलियो सुपरवाइजर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें 100% हमारा पोलियो का दवा सभी बच्चे को पिलाया जाएगा, जिसका हम लोग